नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड के अध्याय में सीखेंगे क्रॉस रेफरेंस और कमेंट के बारे में। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इसको सीखते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, क्रॉस रेफरेंस। उसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले बुक मार्क्स बनाएंगे। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैसे बुक्स मार्क्स बनाया जाता है। तो चलिए पहले मैं बुक्स मार्क बनाता हूँ और उसके बाद ही पूरी प्रोसेस करके मैं आपको दिखलाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस को यूज करने के लिए सबसे पहले बुक मार्क्स आपको बनाना होगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बुक्स मार्क बनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बुक्स मार्क्स बनाने के लिए मैं पिछली वीडियो में आपको मैं बता दिया हूँ कि बुक्स मार्क्स कैसे बनाया जाता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए, तो ज़्यादा आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्रॉस रेफरेंस के यूज करने के लिए सबसे पहले बुक्स मार्क्स बनाना पड़ता है और उसके बाद आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब मैंने बुक्स मार्क्स बना लिया, अब हम क्रॉस रेफरेंस का हम यूज करने के लिए आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए व्हाट इज कंप्यूटर है, और यहाँ पर मैं कोई पार्ट ऑफ कंप्यूटर का यहाँ पर एक ऑप्शन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करके वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकता है, या फिर अदर कोई ऑप्शन व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकता है। तो यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर है ये है, तो अगला जो ऑप्शन हमारे पास था पार्ट ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ दे सकते हैं और वहाँ पर क्लिक करके वो पढ़ सकता है। जैसे कि यहीं पर मैं एक करने का मतलब कि यहाँ पर पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर एक लिंक मैं दूंगा, क्रॉस रेफरेंस दूंगा कि यहाँ पर वो क्लिक करके वो पढ़ सकता है। तो कैसे पढ़ेगा, तो जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँ, क्लिक करूँगा और क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगा और यहाँ पर मैं लूँगा बुक्स मार्क्स, और बुक्स मार्क्स लेने के बाद मैं यहाँ पर पार्ट ऑफ कंप्यूटर लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा, यहाँ क्लोज करूँगा। तो देखिएगा पार्ट ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर लग चुका है, ठीक है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर लग चुका है। अब वहाँ से ये पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट ऑफ कंप्यूटर पर जैसे ही पॉइंटर रखेगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एल्ट क्लिक टू फ्लो लिंक, यहाँ पर ऐसे कहेगा। तो जैसे एल्ट क्लिक, एक हाथ से एल्ट सॉरी कंट्रोल क्लिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल क्लिक टू फ्लो लिंक। तो जैसे कंट्रोल पर एक हाथ से क्लिक करेगा तो देखिए वो डायरेक्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर के पास आ गया है। और फिर हम यहाँ पर चाहते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में कुछ यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिंक दे दें और फिर व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में पढ़ें, तो फिर वो जाएगा क्रॉस रेफरेंस में। और अभी हमने और हम यहाँ पर हम कंप्यूटर फंडामेंटल के यहाँ लिंक यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में लिंक दे रहे हैं और यह क्लोज करेंगे। तो इस व्हाट इज कंप्यूटर के आप चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करके कुछ इसका डिटेल्स भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका जैसा आपको चाहिए ऐसा आप कलर उसको बदल सकते हैं। अब यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर किस लिए दिया, अगर यहाँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर वहाँ पर विस्तार से और व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में पीछे जाकर पढ़ना चाहते हैं वो, तो डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके
जैसे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यहाँ देखिएगा व्हाट इज कंप्यूटर के पास आ गया। कहने का मतलब है कहीं भी ये आपको क्रॉस रेफरेंस आप लगा सकते हैं और उसके बारे में वो फिर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके बैक जाके पढ़ेगा। अगर आप अगर इसमें पेज में आगे है तो आगे जाके पढ़ेगा। कहने का मतलब है आप जहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर फिर कर्सर रखा और फिर हम लोग जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और हम लोग और बुक मार्क्स में हम लोग आ गए और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर आपको मैंने लगा दिया यहाँ। और जैसे मैं लगा दिया अगर इस पर यहाँ पर क्लिक करेगा कंट्रोल के साथ तो डायरेक्ट इम्पोर्टेंट फीचर के पास आ जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग उपयोग करते हैं। उसी के बाद हम लोग अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, कमेंट। कमेंट क्या होता है, अगर हम यहाँ पर ये इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि ये क्या है या क्या खासियत है, या फिर वो अगला हमको कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर बहुत अच्छा है, वो लिख के कुछ रिप्लाई करेगा, कुछ भेजेगा या फिर आप रिप्लाई कर सकते हैं, तो पहले कमेंट लगाना पड़ता है। तो कमेंट का यूज कब होगा, कमेंट मतलब होता है क्या है कि कोई आप किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उसका वो अदर जो पढ़ेगा उसका कमेंट करेगा कि आपका जो पढ़ाएं अच्छा पढ़ाएं या फिर इस प्रकार पढ़ाना चाहिए या इसमें इस तरह से दिक्कत है, कुछ कमेंट करके रिप्लाई करेगा। तो कैसे करेगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर व्हाट इज ए कंप्यूटर फंडामेंटल कैसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ये आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बहुत तरह के कुछ न कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या लिखा है गौरव, आप यहाँ पर गौरव हम हम गौरव कंप्यूटर के ज्ञान के नाम से यहाँ पर आप एक लिखें और गौरव कंप्यूटर के ज्ञान से नहीं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में कुछ हम लोग लिख दिए, कुछ क्या लिखें कि ये पहले लिख देते हैं इस पर गौरव कंप्यूटर ज्ञान के बारे लिख दिए, कमेंट किए कि गौरव कंप्यूटर ज्ञान का वीडियो बनाया है ये। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको भी हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको भी कमेंट लगा देते हैं, इसको कमेंट लगा दिए और कोई और कमेंट लगा देते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। चलिए इस तरह से कमेंट लगाने के बाद इसे क्या बेनिफिट होगा, जैसे हम कमेंट लगा के कहीं भेजेंगे तो वो रिप्लाई करेगा कि आप जो भी पढ़ाएं इसके बारे में सही है गलत है या क्या है वो रिप्लाई करेगा। तो कैसे करेगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे, देखिएगा क्लिक करने के बाद ऑप्शन है कॉपी रिसॉल्व डिलीट प्रीव्यू नेक्स्ट, ये क्या है जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिएगा अगला हम लोग कमेंट के पास जो लगाए थे वहाँ पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्लिक करके प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो पीछे लेके जाएगा, फिर यहाँ पर से क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिएगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा, देखिए एकदम हल्का हो जाएगा, इसका लाइट कम हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये पता नहीं चलेगा। तो हमको क्या क्या करेंगे फिर इस पर क्लिक करके इसको कर देंगे, ठीक ना। जैसे इस पर क्लिक करेगा, जैसे इस पर पॉइंटर रखेगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा कि इसमें लगा हुआ इसके बारे में कुछ रिप्लाई आप दे सकते हैं। रिप्लाई कहाँ से देना है, आप यहाँ पर आ जाइएगा और उसके कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर में गौरव के नाम से, उसके कंप्यूटर में अदर तरह जैसे आप रिप्लाई किए तो मेरे कंप्यूटर में गौरव गौरव के नाम से है, उसके जो कंप्यूटर में जो रहेगा वो नाम से वो आपको शो करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप वो वहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर रिप्लाई
दे सकता है। इसमें एक और ऑप्शन है, वो आप चाहते हैं तो उसको आप इसमें आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहते हैं तो पूरा जो भी लगाए हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको तो कमेंट मतलब क्या होता है, आप वो जो भी पढ़ेगा रिप्लाई करेगा उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकता है। तो इस तरह से कमेंट और क्रॉस रेफरेंस का यूज होता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।